नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? युग ठीक ही होंगे, भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप लोग अगर यूपीआई पेमेंट किसी को करनी है तो आप लोग डिपेंडेंट है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मोबीक्विक, भारत पे या दोस्तों भीम यूपीआई, ऐसी ऐप पे आप लोग अभी तक डिपेंडेंट है, जहां पर दोस्तों आप लोगों को एक यूपीआई पिन डालना होता है और आप लोग जो है पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट जो है एक नई यूपीआई ऐप जो है लॉन्च करने वाली है, जिससे दोस्तों पूरा यूपीआई का सिस्टम ही यहाँ पर चेंज होने वाला है। पेमेंट का एक नया मेथड जो है आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, मोबीक्विक, इन सभी ऐप्स को बड़ी कड़ी टक्कर मिलने वाली है और आप लोग भी इन ऐप्स को शायद चलाना जो है वो छोड़ सकते हैं, कि यहाँ पर गवर्नमेंट खुद की नई एक यूपीआई ऐप लॉन्च करने वाली है। आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट की पहले से एक भीम यूपीआई ऐप है, फिर गवर्नमेंट को जरूरत क्या पड़ गई एक और नई ऐप लॉन्च करने की, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। और सिर्फ आप लोग ना ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे उस ऐप से, बल्कि और भी बहुत सारे एडवांस फीचर आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत ही यूजफुल जो है वो होने वाली है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे, पहले इस ऐप के बारे में बताऊंगा, फिर इस ऐप के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और गवर्नमेंट को ये ऐप लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो नई जो ऐप आने वाली है, यूपीआई जो ऐप आने वाली है, उसका नाम है भाषिनी, जिसका ये हिंदी नाम है, पर इंग्लिश में उसका नाम आएगा स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर। यानी कि सो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट एक ऐसी यूपीआई ऐप लाने वाली है जहां पर आप लोग सिर्फ बोलकर जो है पेमेंट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बोलकर आप लोग पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। कोई भी आप लोगों को फोन के अंदर, स्क्रीन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस बोलिए इतनी पेमेंट इसको ट्रांसफर करनी है, इस नंबर पे करनी है और आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। यूपीआई पिन आप लोग उसमें आपको बोल के डालना पड़ेगा, तो बोल के आपकी पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर तो जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि आप एलेक्सा है या एप्पल आईफोन वालों की सीरी है, जैसे आप लोग जानते हैं आईफोन वाले क्या बोलते हैं, हे सीरी कॉन्टेक्ट दिस नंबर, कॉल ये लगाओ, उसको कॉल करो, तो एक सेकंड के अंदर कॉल हो जाती है। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पर पेमेंट जो है कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूरी जो पेमेंट होगी वो एआई बेस्ड होगी। यहाँ पर पूरी दोस्तों एक ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस लगाई जाएगी इसके पीछे, पूरा आप लोग जो है पूरा एक एडवांस फीचर होगा जो आप लोगों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आप लोग पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों, बोलकर अपना बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, सिलेंडर का बिल भरना, सिलेंडर बुक करना, पानी का बिल भरना, सब कुछ बोलकर यहाँ पर दोस्तों जो है होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट को इस ऐप को लॉन्च करने की जरूरत जो है वो क्यों पड़ गई। पहले से दुनिया भर की ऐप्स तो पड़ी है यूपीआई ऐप, फिर गवर्नमेंट पागल थोड़ी है जो लॉन्च करना चाह रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि अभी जो यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल होता है वो यंग जनरेशन बेसिकली करती है। अभी भी जो पुरानी जनरेशन है उनको यहाँ पर दोस्तों इन यूपीआई ऐप्स को यूज करने में प्रॉब्लम आती है। यूपीआई कोई पेटीएम है, फोन पे है, कहाँ पर जाकर स्कैन करना है, कहाँ पर जाकर यूपीआई नंबर डालना है, क्या करना है, उनको अभी भी समझ में नहीं आता है। तो सिर्फ अभी यंग जनरेशन जो है दोस्तों वही लिमिटेड है कि वही यहाँ पर यूपीआई पेमेंट जो है कर पाती है। सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर चलो मैंने बोल दिया कि जो ओल्ड एज, ये जो पुरानी जनरेशन है वो नहीं कर पाती है, एक तो इससे बेनिफिट उनको मिलने वाला है। सेकंड दोस्तों, अभी भी जो रूरल एरियाज हैं, लाइक दोस्तों जो गांव के एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि अभी अर्बन सिटीज में तो बहुत ज्यादा दोस्तों यहां पर डेवलपमेंट हो चुका है यूपीआई में, एडवांस पेमेंट सब लोग करते हैं, लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया है, जो गांव के एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहां पर दोस्तों लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वो लोग यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वो भी दोस्तों यूपीआई पेमेंट जो है नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी यहां पर बेनिफिट होगा। अब मान लीजिए कोई आदमी अनपढ़ है, जिसको मतलब जो नहीं पढ़ सका, जो नहीं पढ़ पाया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो यहां पर दोस्तों अब वो यूपीआई पेमेंट कैसे करेगी? तो यूपीआई ऐप तो सारी या तो आपको हिंदी में मिलेगी या इंग्लिश में मिलेगी, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज में मिलेगी, आपको पढ़ना नहीं आएगा तो कैसे पेमेंट करोगे? लेकिन अब वो लोग भी दोस्तों यहां पर बोल के जो उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर गवर्नमेंट यहां पर जो है ये
जो स्पीकर ऐप है उसको यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। मतलब उसे कोई बंगाल में रहता तो बंगाली के अंदर होगा, कोई बिहार में रहता तो बिहारी लैंग्वेज के अंदर होगा, कोई और दोस्तों उससे पीछे पिछड़ा है उसकी लैंग्वेज में होगा। तो लैंग्वेज तो दोस्तों क्योंकि वो बोलता है, सुनता है, समझता है, तो इस हिसाब से वो पेमेंट जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। मैं तो गवर्नमेंट को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक सैल्यूट जो है देना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इतना अच्छा दोस्तों इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचा। जो लोग दोस्तों यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग है, ओल्ड एज है, जो इतना एडवांस सिस्टम को नहीं समझते हैं वो भी यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। जो दोस्तों यहाँ पर जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी पेमेंट कर पाएंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, वो भी यहाँ पर दोस्तों यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोगों को दोस्तों गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कैसा लगा मेरे को उसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।